देखिए एक और बड़ी खबर है, इससे भी रूबरू आपको करवा दे। रामचरितमानस को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया, मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूं शूद्र कौन है। अखिलेश कह रहे हैं भगवान राम के खिलाफ कोई नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा रामचरितमानस के खिलाफ भी कोई नहीं है, हम भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने फिर एक बार कहा है कि वो मुख्यमंत्री से पूछने जा रहे हैं कि शूद्र कौन है। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे ज़रूर मैं पूछूंगा इस बात। तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ, हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। अखिलेश यादव का बयान आपने देखा और उनका सवाल भी आपने देखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।